दोस्तों फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि अभी हम लोग शिमला जा रहे हैं, बट स्टे नहीं करेंगे, शाम में चंडीगढ़ ही आएंगे अपने घर। तो अभी हम लोग शिमला निकल रहे हैं, वहाँ का वेदर देखते हैं कैसा हो रहा है। वहाँ के मोमोज खाते हैं बढ़िया बढ़िया, खाए नहीं है पहाड़ आए तो, और मुझे मैगी खानी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सो दिस इज द नेक्स्ट डे और अभी हम लोग सुबह उठे हैं सब लोग। और पिंचू क्या आप क्या प्लान है? अब देखते हैं क्या बनता है, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। भूख लग गई ना? भूख लग गई है, बफे लगा हुआ है, पहले खाना खाते हैं। क्या प्लान है टिन्नी दी, यार बताओ। हाँ टिन्नी दी, अब हम क्या प्लान कर रहे हैं? अब हम पहले तो सब रेडी होते हैं। हाँ और सब अपने कपड़े पैक कर लो यार। हाँ यार, तो कपड़े पैक करने के बाद फिर हमें ताकि हम ब्रेकफास्ट करेंगे फटाफट। हाँ हाँ हाँ, आप कहाँ जाना है कि क्या? हाँ चलो ठीक है फिर, चलो फिर पिंचो चले। हो गए तैयार? यार मैं रेडी नहीं हुई हूँ, मुझे तो तैयार होना है फटाफट से, मैं रेडी हो जाती हूँ। बटा भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करते हैं। और पता है बाहर इतना बढ़िया हो रहा है, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। रात में तो इतना फॉगी फॉगी था, अब देखो सुबह सुबह का व्यू देखो यार, व्हाट अ व्यू है ना, कितना अच्छा लग रहा है। और ये चंडीगढ़ से बहुत पास है यार, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। मेरा तो मन इतना कर रहा था, रात में बारिश हो गई, इतने ज़्यादा बारिश हुई, मौसम क्लियर हो गया है और हम यहाँ बैठ ही नहीं पाए, इतना फॉगी हो गया था, ठंड बहुत थी, अभी भी ठंड है। मैंने जैकेट पहना है, अभी भी हुडी डाली है अपनी। और लेकिन अब यह है, रास्ता क्लियर है, आप कहीं भी जा सकते हो। हम लोग पता नहीं कहाँ प्लान करेंगे, गाड़ी में बैठते हैं तब प्लान करते हैं। अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं नाश्ता करने के बाद। तो मैंने सुबह का व्यू आपको दिखा दिया है, मॉर्निंग व्यू, और मैं तैयार जाती हूँ फटाफट से। तो गाइस अभी हम लोग नाश्ता करने आ गए, फाइनली हम लोग नाश्ता करने आ चुके क्योंकि बहुत लेट हो गया था। वहाँ जाओ उस साइड, उस साइड लोग, बढ़िया धूप निकली है, सुबह मैंने दिखाई दिया था नहाने से पहले। आप इधर आ जाओ, ये अच्छा आएगा है ना, सुबह दिखाई दिया था मैंने, कितना बढ़िया व्यू और बहुत अच्छी धूप निकली। अब क्लियर हो गया ना, आप तक बारिश पूरा क्लियर है, देखो कितना बढ़िया। और यहाँ हम लोग नाश्ता करेंगे अब, ये देखो बफे लगाया सुबह सुबह और खाना खाते हुए क्या है, कुछ कह रहे थे क्या आप अंकित जीजू? ये कॉफी चाय, चलो भूखी लग गई, भूखी। तो नाश्ते में कितना बढ़िया नाश्ता हम लोग सुबह सुबह कर रहे हैं, और पराठे भी है ना पंजू, भटूरे भी हैं और बड़े बिल्कुल हमारे पहाड़ी स्टाइल कॉफी वाले। हाँ अच्छा बना है, चलो मतलब रेटिंग अच्छी मिल गई है खाने को, वैसे कल रात ही मिल गई थी बट कोई बात नहीं, खाना अच्छा लग रहा है, खाते भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी हम लोग, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। निकलने से पहले मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, जब भी आप कसौली आते हैं, कसौली आने से 1.5 किलोमीटर पहले, 1.5 या 2 किलोमीटर पहले आपको एक रिजॉर्ट मिलेगा, ल्यूक्स रिजॉर्ट, ठीक है। मैं उन लोग के लिए बोल रही हूँ जो आएगा उसको मिलेगा, देखो ये ल्यूक्स रिजॉर्ट। मेरा व्लॉग देखना, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ बेस्ट यार। मतलब कि हमने हमारा रात में डिसीजन लेना कसौली में, हम ऊपर इसलिए नहीं रुक पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और रूम्स भी इतने अच्छे अवेलेबल नहीं थे। जैसे हम 1.5 किलोमीटर नीचे आए हैं कसौली से और वहाँ पर ये हमें मिला है, भाई इसका खाना अल्टीमेट है। इन्होंने ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूडेड था, मतलब इन्होंने हमें 10,000 में इन्होंने हमें वो रूम दिया और उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। और क्या ब्रेकफास्ट बनाया यार, डिनर भी मैंने रात में दिखाया, बहुत अच्छा डिनर था। मतलब आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको स्टे करना, आप कसौली आ रहे हैं तो, क्योंकि बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा सर्विस और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा था। मतलब मैं आपको सजेस्ट सामान लग रहा है, ठीक है निकलते हैं।
तो दोस्तों फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि अभी हम लोग शिमला जा रहे हैं बट स्टे नहीं करेंगे, शाम में चंडीगढ़ ही आएंगे अपने घर। तो अभी हम लोग शिमला निकल रहे हैं, वहाँ का वेदर देखते हैं कैसा हो रहा है, वहाँ के मोमोज खाते हैं बढ़िया बढ़िया, क्योंकि अभी तक मोमो खाए नहीं है पहाड़ आए हैं तो, और मुझे मैगी खानी है। तो अभी धूप निकली हुई है बहुत ज़्यादा, लग नहीं रहा था कि कल का मौसम देख के कि धूप निकलेगी, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, ठंड पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ धूप निकली है। बाकी पहाड़ों में देखते हैं, शिमला में देखते हैं कैसा वेदर हो रहा है। अंकित जिया जी की कोई टिप्पणी ले लें जी, जो कुछ पता ऑफिस का काम, ऑफिस का काम कर रहा है देखो। उत्तर रेलवे हो, सो सैड। यहाँ से तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन चलती है, यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है। वाओ, तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं लोकल एप्पल शिमला हिल्स है कसौली के, तो वो देखते हैं यहाँ पे कैसे हैं। तो हम आए हैं तो सोचे हैं लोकल एप्पल लेके जाएं यहाँ से। ये देखो जी, जो लोग आए हैं लेने, आपको दिखाते हैं। ये 15 किलो है, 10 किलो, 75 रुपए किलो, चार पीस किलो रेड वाला। सिर्फ पेटी ओपन नहीं ले सकते, दो चार पाँच किलो मेरे को बॉक्सेस का ही काम है। यहाँ पे मैक्सिमम ना स्टाफ लोग आते हैं तो हमारे पास बॉक्सेस, पहले एक मिनट टेस्ट कर लीजिए बॉक्सेस, ऐसा बॉक्सेस में मिलते हैं यहाँ, ऐसा आपको कम छोटे उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भैया ने जैसे बताया कि टूरिस्ट आते हैं ज़्यादा लेके जाते हैं, हम थोड़ा नहीं दे सकते, तो ये इस टाइप के यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस में मिलते हैं। लाल वाला टेस्ट करके बताओ कैसा। बढ़िया बढ़िया, तो वर्थ इट है लेना, कैसा है ले लें। ये 10 किलो का है, 10 किलो। तो अभी हमने ये एप्पल इसमें 3 है बुक कर लिया है। अब भैया जितने भी कसौली से जा रहे होंगे या आ रहे होंगे, आप ही के यहाँ से एप्पल लेंगे। मैंने आपको ब्लॉग में ले लिया ना अपने, तो आपके एप्पल ही बिकेंगे, अब टेंशन मत लो। रसीले एप्पल खिला के चलो फिर पैक करते हैं। जीजू को एप्पल इतने ज्यादा पसंद है, तो सॉरी पेटी ले लो कुछ हो गया। सोलन पहुंच गए हैं यहाँ पर, और सोलन में भी निकली है धूप। दिखाता और शहर दिखाओ, पिंचू आगे बैठा है वो दिखाएगा। ये बता दो पिंचू, आप तो बोलो। ये है हमारी प्यारी सोलन सिटी, तिन्नी बैठी हुई है। हाँ तो गाइज हम लोग सोलन पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। कल तो बहुत खतरनाक बारिश हुई थी, लेकिन आज बड़ा मस्त वेदर हो चुका है, बढ़िया सन शाइन हो रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, और रोड बहुत अच्छी है भाई, मजा आ गया। टिन्नी कुछ आपको कुछ कहना, टिन्नी तो मेमोराइज है व्यूज से बहुत ज्यादा। तो हम पहुंचते हैं, दिखेगी क्या जी रास्ते, तो अगर दिखेगी तो दिखाएंगे जरूर, फिर उससे आगे शिमला, अगर नहीं दिखेगी तो काट देंगे लाइन। हम लोग यहाँ पहुँच गए, अंकित जी जी क्या है, मोहन मेकिंग लिमिटेड ब्रूरी। हाँ, ये ओल्मोंग फैक्ट्री है सोलन में, तो यहाँ ओल्मोंग बनती है। अंकित जी बताएंगे, मतलब मुझे भी इतना ही पता है कि यहाँ ओल्मोंग बनती है, तो एक बार अंदर चलते हैं फिर देखते हैं क्या है। चलो तो इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिखाते हैं ये है क्या। हम लोग यहाँ घूम सकते हैं ब्रूरी? नहीं सर, थैंक यू, नहीं हम नहीं देख सकते, आप कीजिएगा। ओके अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्या क्या टाइमिंग क्या होती है वैसे, कभी टाइमिंग कुछ है यहाँ पे देखने का? नहीं है। अच्छा कब होता है? अच्छा चलिए, थैंक यू। तो गाइस यहाँ से देखो कितना प्यारा व्यू, और यहाँ से ना टॉय ट्रेन आती है शिमला के लिए, यहाँ से रास्ता है, कितना सुंदर व्यू है देखो यार। टॉय ट्रेन से जाने का मेरा बहुत मन है, बहुत प्यारा व्यू है। तो टॉय ट्रेन से भी जाएंगे किसी दिन और वहाँ का व्लॉग करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं,
बहुत प्यारा व्यू था टॉय ट्रेन का, बहुत ज्यादा बढ़िया है ना, कितना अच्छा व्यू है देखो ऊपर, देखो कितनी बढ़िया हिल्स, कितना अच्छा है ना टॉय ट्रेन का, है ना यार ये ट्रैक है टॉय ट्रेन का। हाँ और सच में मौसम बर्फ पड़ती है तो कैसा सुंदर लगता है वो, एक सोलन डिस्ट्रीब्यूटरीज। हाँ क्या मस्त है, इतनी बढ़िया जगह है देखो हाँ बस तेरी फोटो खींच दे। अब हम लोग रुके हैं कहीं, ये देखो ऑफिस चल रहा है, जब लोग अनलॉक कर देना। और अभी हम लोग यहाँ पे बहुत बढ़िया एक हमें पॉइंट मिला है मैगी पॉइंट, जहाँ पर हम मैगी खाएंगे देखो। और यहाँ पर इट्स नाउ इट्स मैगी टाइम, ये बट वाओ, अभी हम लोगों ने बहुत बढ़िया मैगी खाई और हमने कॉफी पी, सॉरी चाय पी, कॉफी नहीं पी, और उन्होंने इतना टाइम लगा दिया बनाने में, हमें लगा लेट होता है अब हमें यहीं, क्योंकि हमें वापस भी आना है चंडीगढ़, है ना, आना है वापस अभी तो देखो क्या होता है, प्लान पे प्लान पे प्लान। अभी हम शिमला पहुंचने, शिमला में एंटर कर चुके हैं जी जी, नहीं हाँ, आउटर में, आउटर में है अभी शिमला इज फॉर, अरे कुफरी कितना है देखना, पास है, पास है शिमला, पास में ही है, हम शिमला बस पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी, सीधा मिलते हैं शिमला में। हम लोग शिमला पहुंच गए हैं। टिन्नी कैसे पहुंचे हैं, हाथ कैसे कर रखा है टिन्नी, कैसे हाथ जोड़ रखा है शिमला ने हमारा, कितनी को करके दिखा दे कैसे हाथ जोड़ रखा है, टिन्नी नहीं कर रही। तो गाइस हम लोग शिमला पहुंच चुके हैं और बढ़िया मौसम हो रहा है, बाकी चालू बताइए। ये पुराना बस अड्डा आ गया है शिमला का, जो जहां जा रहा हूं वो और अब हम लोग आगे जिसे पूछ रहा हूं कोई गाड़ी आगे कर दे रहा है आगे हो गए से आगे यार, तो आगे हमें आगे आगे जाना है यार, हम देख रहे रिच पे जाना है जहां हम गाड़ी पार्क कर सके और वहां से घूम सके लोकल। देखिए यार यहां बच्चे स्कूल पढ़ के भी आ गए भाई, बच्चे स्कूल पढ़ के भी आ गए, हां यार स्कूल के बच्चे आ गए। ये शिमला का मार्केट शुरू हो चुका है, पार्किंग देखी ना ऐसे मॉल है, पार्किंग मॉल जैसी है यहाँ की, ये देखो हम आप उस साइड, तो चलो हम पार्किंग में गाड़ी लगाने वाले हैं अपनी और फिर लिफ्ट से सीधा ऊपर जाएंगे, लिफ्ट से सीधा ऊपर।